हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बचा हुआ चावल का ढोकला। जी हाँ, बचा हुआ चावल का ढोकला। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं बचा हुआ चावल का। हे गाइज, तो देख सकते हैं बचा हुआ चावल ले लिए हैं। तो चलिए गाइज, ले लिए हैं हम यहाँ पे स्नोर। चावल को पीसने के लिए धो लेते हैं इस पानी से। तो देख सकते हैं बिल्कुल हो गया है साफ। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा स्लोट हो गया है साफ। हमने ले लिए हैं चावल और इस चावल को पानी ऐसे करके गाड़ेंगे और इधर रखेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं हम सारा चावल को पीस लिए हैं स्लोट में, जो कि आप लोगों को हम दिखाए हैं। तो चलिए आगे का काम हम करते हैं। हेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ले लिए हैं ये चावल का जो पीसा हुआ है वो ले लिए हैं, और यहाँ पे दही ले लिए हैं, और ये प्याज ले लिए हैं, ये टमाटर है, और ये सोडा है, मीठा सोडा है, और ये हल्का सा कढ़ी पत्ता थोड़ा सा, और ये ले लिए यहाँ पे हल्का सा वो लाल मिर्च पाउडर, और इसमें है हल्दी। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। और इधर यहाँ पे है नमक, ये ले लिए हैं हम ढोकला बनाने के लिए। तो चलिए अभी से हम मिलाते हैं। तो ये ले लिए हैं और ये ले लिए हैं दही। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल है ताज़ा ये। अब इसमें हम डाल देंगे ये सोडा, और ये डाल देंगे प्याज, और ये डाल देंगे टमाटर, और ये डाल देंगे ये कढ़ी पत्ता, और ये हल्का सा हम डाल देंगे। हल्दी, हल्का सा डालेंगे नमक। तो चलिए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गया है, देखते हैं। तो देख सकते हैं 20 मिनट के लिए हम छोड़ दिए थे, तो बिल्कुल हो गया है रेडी। देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं। तो देख सकते हैं हम पानी चढ़ा दिए हैं और ये हल्का सा गर्म होगा, उसके बाद हम ढोकला का पेस्ट डालेंगे। हेगा, तो देख सकते हैं पानी हमारा गर्म हो गया है और ये डाल देंगे ताकि वो सटे नहीं, तो इसलिए डाल देंगे। और चलिए इसके अंदर अब डालते हैं हम ये पेस्ट। देख सकते हैं बैठ गया है बिल्कुल अच्छे से। अब इसे हम ढक देंगे, तो इसको ढक देते हैं। तो चलिए अब होने देते हैं इसको, फिर देखते हैं 10 मिनट के बाद। हे गए, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या हाल है ढोकला का। तो देख सकते हैं ये होने लगा है, अभी और होगा। तो चलिए इसे अब हम ढक देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा ढोकला हो गया है कि नहीं रेडी। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा ढोकला हो गया है बिल्कुल रेडी, और इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं बाहर। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा ढोकला हो गया है रेडी,
और इसे हम छिलका लगाएंगे। तो यहाँ पे तवा चढ़ा के रखे हुए हैं और यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल और छिलका लगाने के लिए हम ले लिए हैं सरसों और ये करी पत्ता लगाया है। देख सकते हैं गाइस हमारा फोरन हो गया रेडी। अब इसे डालेंगे देख सकते हैं छिलका लगा लिए हैं और अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। ठीक है तो देख सकते हैं फाइनली हो गया है रेडी और इसमें हम ये टमेटो सॉस डाले हैं। तो आप चाहें तो चिली सॉस से भी सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। तब तक के लिए बाय बाय।